भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। निरसा जिला मुख्यालय से लगभग 45 किलोमीटर दूर निरसा विधानसभा के एग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत काली पहाड़ी पूरब पंचायत ग्राम पोराडीह में पेयजल की भीषण समस्या है। पेयजल की समस्या गांव में पिछले 3 दशकों से चली आ रही है, पर अब तक प्रशासन या जनप्रतिनिधि समस्या के निदान के लिए कोई पहल नहीं किए। काली पहाड़ी पूरब ग्राम के पोराडीह कुल 210 घर हैं। पोराडीह गांव की कुल आबादी लगभग 1000 है। इस गांव में पेयजल के लिए कोई भी सुविधा नहीं। गांव में एक तालाब है, पर गर्मी के दस्तक देते ही तालाब सूख जाता है। गांव के अंतिम छोर में कुआं है, वहीं कुआं लोगों की प्यास बुझाता है। ग्रामीण एक गैलन पानी के लिए घंटों इंतजार करते हैं, तब जाकर उन्हें पीने योग्य पानी मिल पाता है। इस गांव में लगभग 30 वर्षों से समस्या है। ग्रामीणों ने अपने स्तर के जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन से भी गुहार लगा चुके, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। गांव वाले बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। गांव में एक ही कुआं रहने के कारण लंबी लंबी कतार लग जाती है। गांव से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर बराकर नहीं उसी नदी में ही लोग दिनचर्या करते हैं। पानी की समस्या को लेकर उनका कहना है, हम लोग काफी परेशान हैं, जिसे लेकर गुहार लगा चुके, मगर अब तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई। रात जागने के बाद थोड़ा पानी मिल जाता है, उसी से गुजर बसर कर लेते हैं। सभी वार्डों में डीप बोरिंग कराई गई है, परंतु गर्मी के कारण पानी का लेयर काफी नीचे चले जाने के कारण डीप बोरिंग भी काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण पेयजल की समस्या और भी गहरी हो गई। माननीय सांसद पशुपतिनाथ सिंह, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी को पत्राचार के माध्यम से अपने गांव के पेयजल संकट की स्थिति से अवगत कराया, परंतु किन्हीं द्वारा कोई पहल नहीं की गई, जो कि समस्या को दूर किया जा सके। मुखिया को उतना फंड नहीं मिलता, मेगा फंड के तहत इस समस्या को दूर किया जा सकता है, जिसके लिए प्रयासरत है। सबसे बड़ी बात, निरसा विधानसभा में 2 डैम हैं, जिसके पानी से जिले भर के लाखों लोगों की प्रतिदिन प्यास बुझती है, परंतु डैम की महज चंदूरी में गुजर बसर करने वाले लोग आज बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। देखना ये होगा इस समस्या को लेकर सरकार कितनी गंभीरता से लेती है, काली पहाड़ी पूरब के पोराडीह गांव के लोगों के लिए सरकार क्या कदम उठाती है। निरसा से मलय गोप की रिपोर्ट। कुआं में हम लोग सब खाते हैं, तो कुआं में पानी ही नहीं है तो क्या खाएगा। हम रात यहाँ बिताता है, कितना डेगची देखते ना। अच्छा, पानी नहीं है गांव में, तो इसीलिए हम लोग को कितना तकलीफ हो रहा है देखते ना। मुखिया कभी ध्यान नहीं देते हैं? कहाँ ध्यान देता है, ध्यान देने से ऐसे होगा? क्या मुखिया की समस्या के बारे में बताए हैं? वो जानता नहीं, गांव का है, नहीं जानेगा। सभी लोग जानते हैं मेरे पंचायत में पानी का समस्या शुरू से ही है। पत्थर या पाटर होने के कारण पानी का लेयर करीब 500-600 के फीट नीचे है। बोरिंग करने से चापाकल में पानी नहीं निकलता है। यहाँ पानी का समस्या पाइपलाइन द्वारा निदान करा जा सकता है, इसलिए मैं माननीय सांसद महोदय से मिले पानी का समस्या के लिए आवेदन भी दिए, वहां से भी आश्वासन दिया गया। जैसे कि हम लोग का पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, उससे भी हम लोग आवेदन दिए, वहां से भी आंसर दिए गए। डीवीसी से चिकुंडा नगर परिषद से पाइपलाइन बिछा जा रहा था, उसमें से मैं घोर विरोध किए थे। मेरे विरोध को देखते हुए पीएचडी के अलग अधिकारी आई, कहा कि आपका पंचायत का पानी का समस्या दूर हो जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आपके द्वारा क्या किया गया है अब तक? मेरे द्वारा जैसे कि हम लोग यहाँ जैसे कि पाइपलाइन बिछा जा रहा था ना, उस लोग हम लोग बहुत विरोध किए थे। उस समय मेरे विरोध को देखते हुए पीएचडी के विभाग आए अधिकारी, वहाँ उनसे बोले कि आपका पानी का समस्या दूर हो जाएगा कुछ दिनों में, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो आगे इस समस्या से कैसे निपटेंगे आप? देखिए, इसमें से मुखिया फंड से तो नहीं होगा। जैसे कि सरकार का निर्णय है मेगा प्रोजेक्ट से ही मैंने सारा बस्ती का पानी मिल जाएगा, लेकिन सरकार का निर्णय वो नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन वर्तमान में आपके पंचायत में घोर पानी की समस्या है, उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था तो होगी? व्यवस्था तो मान के चलिए, यहाँ तो पानी बोरिंग से ना पानी नहीं निकलता है। टैंकर तो आ सकता है ना? हाँ, टैंकर आ सकता है। उसके लिए आपने पहल क्यों नहीं की है? उसमें हम पीएचडी विभाग जमा किए हैं पानी के लिए। कब तक गांव वाले को पानी मिल जाएगा? मिल जाएगा, जैसे कि हर एक साल मिलता है, रोशन मास से मिलता है। इस समस्या को निदान हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा।
हम कोशिश कर रहे हैं मेरा पंचायत का पानी का समस्या निदान करने के लिए। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील GMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील GMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।